for the base 100% capacity of Shivalik Beverages, question number 16 कर रहे हम लोग. Limited has been available from the records. ये total cost दी है और उसमें से shut down expenses मतलब fixed expenses है. क्या है? Fixed expenses. बचा हुआ part क्या हो जाएगा? Variable. मतलब material की बात करें तो पूरा 240,000 material है, ले variable है. Direct wages 210,000 पूरा variable है. फैक्ट्री एक्सपेंस में 1,80,000 टोटल है, उसमें से 1,00,000 फिक्स्ड है. 1,00,000 क्या है? फिक्स्ड. तो 80,000 क्या हो गया? वेरिएबल. और सर लॉजिक क्या है उसको फिक्स मानने का? इस शट डाउन एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो बंद होने के बाद भी होंगे. तो ऐसे कौन से खर्चे जो बंद होने के बाद भी होंगे? ऑब्वियस है ना. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सेल्स. द वैल्यू ऑफ बिजनेस बेटा इसमें क्या नहीं सुनिए. नहीं, आउटपुट पूछा ही नहीं है. तो वैल्यू, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स. इट्स नॉट आउटपुट, इट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब सेल का वैल्यू. ठीक है, फिर भी हमें बता देता हूँ. क्या सेल्स दिया है उन्होंने? क्या वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे? ये वाला पार्ट माइनस करके बचा हुआ क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा ना. तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा. ये फिक्स कॉस्ट ही है ना यहाँ पे राइट साइड में. फिक्स कॉस्ट डिवाइड पर पीवी रेशियो करोगे तो जवाब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वेरी सिंपल. और द परसेंटेज कैपेसिटी ऑफ कैन बी अचीव. क्या 8,50,000 फॉर 100%, तो वो जो भी आएगा वो कितने के परसेंट का भी रहेगा, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. 17 कर दूं ना अभी. चलो, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम्स ऑफ पी क्यू आर एंड एस. The sales mix on the value 33.33%, 41.66%, 16.66% and 8.33% of product P, Q, R and S. The total budgeted sales 60,000 per month. Operating costs are variable cost 60% of selling price, 68% of selling price, 80% of selling price, 40% of selling price. Fixed cost is rupees 14,000 per month. Calculate the break-even point for the product on overall basis. Underline on overall बेसिस. वेरी सिंपल बच्चों, अगेन कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन. पी क्यू आर एस एंड टोटल. क्या टोटल इंपॉर्टेंट है इस बार? ओवरऑल बेसिस पे बोला है कि नहीं बोला है? सेल कितना है ओवरऑल? 60,000. अब इसमें से 33.33% पी का है ना, दिखा कि नहीं दिखा? तो क्या 20,000 आ जाएगा? 41.66% करो, 60,000 का 41.66%. एक सेकंड, 25,000 ही होना चाहिए. चलो करो, कैलकुलेटर पे करो. 41 × 3 + 2 किया, डिवाइडेड बाय 3 × 60,000 आ रहा है ना. वो राउंडिंग ऑफ एरर हो रहा है बेटा, है ना? समझा कि नहीं समझा? ठीक, 16.66% मतलब डिवाइड बाय 6. समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कितना हो जाएगा? 10,000. और 8.33% मतलब 5,000 बचेगा उतना ना. कोई डाउट? पक्का? ठीक. अब माइनस वेरिएबल कॉस्ट. क्या सबका परसेंटेज दिया है? पी का 60% दिया, मतलब 12,000 हो जाएगा. ये 68%, चलो 25,000 का 68%, 17,000. ये 80% मतलब 8,000. और ये 40% मतलब 2,000. हालांकि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, आप बात समझते हैं? इनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से लेना देना है. किससे लेना देना है? टोटल वेरिएबल, क्योंकि मुझे जो ब्रेक इवन मांगा है वो ओवरऑल मांगा है कि मांगा है? तो सर ये इंडिविजुअल क्यों किया आपने? क्योंकि जब तक इंडिविजुअल नहीं करता तब तक इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलती, और जब तक इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलती तब तक टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलती. समझा कि नहीं समझा? कर दें सबका टोटल 39,000, करेक्ट. अब कॉन्ट्रीब्यूशन, अब प्रैक्टिकली बोलो तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबका निकालने की जरूरत ही नहीं मुझे. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसका निकालूंगा मैं? कितना आ जाएगा? 21,000. और कितना आ जाएगा पीवी रेशियो? कितना आ जाएगा? 21,000 डिवाइड बाय 60,000 × 100,
ఇంటూ 100 నేవీ గా వచ్చాను 35% ఎగ్జాక్ట్ ఫిక్స్ కాస్ట్ పతా ఏ హమకో 60,000 లిఖే నా ఉన్నా సారీ 14,000 లిఖే నా ఉన్నా तो क्या ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा कर दो 14,000 divided by 35 40 क्या समझ में आ गया बट इट वॉज इजी क्वेश्चन डायरेक्ट आना चाहिए था लीव इट चलो हो गया पक्का नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज की फैक्टर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट की फैक्टर की फैक्टर मतलब जिसका शॉर्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं की फैक्टर जिसका शॉर्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं की फैक्टर अभी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं समझो पहले की फैक्टर क्या होता है समझो पूरा डिटेल में समझा रहा हूं मेरे पास 10,000 लेबर आवर्स अवेलेबल है कितना आवर्स अवेलेबल है मैं दो प्रोडक्ट्स बनाता हूं ए और बी ये 5,000 यूनिट्स बना सकता हूं और ये 4,000 यूनिट्स बना सकता हूं कितने बना सकता हूं 4,000 मैक्सिमम यूनिट्स इसके 5,000 और इसके 4,000 एक यूनिट बनाने के लिए इसको लगता है 1 घंटा और इसको लगता है 2 घंटे पर यूनिट समझते हो कि नहीं समझते हो हमें समझाने जा रहा हूं वॉट इज की फैक्टर मैं क्या समझा रहा हूं अभी वॉट इज की फैक्टर राइट क्या मुझे ये बनाने के लिए 5,000 घंटे लगेंगे और ये बनाने के लिए 8,000 घंटे लगेंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे उन्हें 13,000 बट अवेलेबल कितने 10,000 तो 10,000 घंटे मतलब लेबर आवर्स क्या हो गया मेरे लिए की फैक्टर क्या हो गया मेरे लिए जो चीज कम पड़ने वाला है पूरा प्रोडक्शन करने में जो चीज रुकावट डालने वाला है उसको क्या बोलेंगे की फैक्टर अगर समझो मेरे पास 13,000 है उससे ज्यादा आवर्स अवेलेबल होते तो वुड इट बी की फैक्टर नो ये की फैक्टर क्यों है जितने चाहिए उससे कम अवेलेबल है इसलिए उसका नाम क्या है की फैक्टर क्या पहली बात समझ में आई अब और एक इंटरेस्टिंग बात कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका है 2 रूपये पर यूनिट और इसका है 3 रूपये पर यूनिट अब एक इंटरेस्टिंग बात एक बात कंफर्म है ए पूरा बनेगा तो बी पूरा नहीं बनेगा थोड़े बहुत यूनिट कम बनेंगे बी पूरा बनेगा तो ए पूरा नहीं बनेगा थोड़े बहुत यूनिट्स क्या होंगे कॉम्प्रोमाइज होंगे तो पहले में ए के 5,000 बना लूंगा तो बी में से कुछ ना कुछ कम पड़ेंगे और बी को पहले बना लूंगा तो ए में कुछ ना कुछ कम पड़ेगा तो कुछ ना कुछ यूनिट्स का लॉस होने वाला है और उस पर कमाने वाले कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस तो होने वाला है तो अब मेरा सवाल यह है बच्चों आप लोगों से कि ए बना के बी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि बी बना के ए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ए बना के बी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कैसे बोल रहा हूं नहीं दैट्स नॉट द लॉजिक नहीं गलत चलो ठीक है एक नॉर्मली हम लोग किस पर से डिसीजन देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर नॉर्मली हम क्या सोचेंगे अच्छा ए का एक यूनिट 2 रूपये कमा के दे रहा है और बी का एक यूनिट 3 रूपये कमा के दे रहा है तो अभी हमारा दिमाग कैसे लगेगा कि बी के सारे बना लो क्योंकि ज्यादा कमा के दे रहा है ना पर यूनिट बट दैट्स रॉन्ग लॉजिक That is wrong logic because you are focusing on contribution per unit, but you are not considering the main factor, key factor. अब मैं एक लाइन बनूंगा जिससे सारे दिमाग के तार खुल जाएंगे आपके क्या ये 2 रूपये कमाने के लिए 1 घंटा ले रहा है बट ये 3 रूपये तो कमा के दे रहा है उसके सामने ले भी तो 2 घंटे रहा है कि नहीं रहा है तो क्या ज्यादा आर्स में कम कमा के दे रहा है कि नहीं है आप समझ रहे हो सर पर आर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही आर्स है समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप कुछ सोचो एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये 2 रूपये कमाता है 3 रूपये कमाता है ये 10,000 घंटे लगा देता है 1 यूनिट बनाने में तो पड़ता कि नहीं पड़ता नहीं पड़ता ना समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं 10,000 तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पे से डिसीजन देना समझदारी नहीं है कमा के ज्यादा दे रहा है पर उसके साथ साथ आर्स भी तो ज्यादा लगा रहा है जो हमारे पास कम है वो ज्यादा कंज्यूम कर ले रहा है समझ रहे हो समझ रहे हो तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिसीजन देना सही है कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर से पर की फैक्टर एक्चुअली नॉट आर पर बाद में समझाऊंगा मैं अभी फिलहाल तो इसको रैंक 1 आ रहा है और इसको रैंक 2 आ रहा है फिलहाल फिलहाल सब फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है अभी की बात कर रहा हूं मैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पे से तो अब देखो आप लोग सही डिसीजन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो
क्या 4000 यूनिट बन जाएंगे पहले? 2 घंटे पर यूनिट लग जाएगा, कितने घंटे लग हो जाएंगे? 8000 लग जाएंगे, बचेंगे कितने? 2000, 10000 है ना टोटल, 2000 बचेंगे। एक घंटे में एक यूनिट बनता नहीं है, तो कितने यूनिट बना लोगे? 2000 यूनिट इंटू 1, समझा कि नहीं समझा? क्या 10000 घंटे खत्म हो गए? ये कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। 4000 बी के यूनिट कितना कमा के देंगे आपको? 12000 रुपए। और 2000 यूनिट 2 रुपए कितना कमा के देंगे? 4000। तो इस वाले डिसीजन से टोटल कितना कमाया आपने? 16000। कितना कमाया आपने? डिसीजन किसके बेसिस पे दिया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गलत सोच रहे हो आप यूनिट तो देख रहे हो कि एक कितना कमा के दे रहा है, बट वो आज भी तो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, आप समझ रहे हो? अरे आपके पास कोई आया और बोल रहा है कि मैं इसका रेंट 10000 दूंगा, और दूसरा आया वो बोल रहा है 20000 दूंगा, आप डायरेक्ट डिसीजन दे दोगे? नहीं, आप पूछोगे 10000 एक महीने का और 20000 एक साल का रहा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? 10000 रुपए और 20000 रुपए कंपेयर नहीं होता, उसका पीरियड भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? ये 3 रुपए कमा के दे रहे, 2 रुपए उतना थोड़ी काफी है, ये 3 रुपए 2 घंटे में कमा के दे रहे, और ये 1 रुपया 2 रुपए 1 घंटे में कमा के। तो अगर आप देखोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर की अगर मैं बात करूं तो क्या 2 डिवाइड बाय 1 2 रुपए पर आर हुआ, और ये 3 डिवाइड बाय 2 1.5 पर आर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस पे 1 घंटा लगाते हो तो 2 रुपए कमाते हो, इस पे 1 घंटा लगाते हो तो 1.5 रुपए कमाते हो ना, तो किस पे आर्स लगाना ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ए पे प्रूव भी करूंगा मैं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ए को प्रायोरिटी दो और बी को मत दो। पहले आप यहां पे क्या किया हम लोगों ने, यहां तक बी को प्रायोरिटी दी है, प्रायोरिटी मतलब समझ रहे हो, पहले बी बनाया ना। अब देखो अब ए बनाओ, पहले कितने हो जाएंगे? 5000 इंटू 1 क्यू 1 एक मिनट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है ना, इसका कितने हो गए? 5000 घंटे हो गए। कितने बचे? 5000। ये 2 घंटे में एक बनाता तो कितने बना लोगे? 2500 इंटू 2 हो गए ना, तो इसके कितने यूनिट बने? 5000, इसके कितने बने? 2000। तो 5000 वाला 1 मिनट का 2 रुपए कमा के देता है, 10000 रुपए कमाए यहाँ पे, यहाँ पे 2500 इंटू 3 कमाए ना, तो कितने हो गए? 7000। टोटल कितना कमाया? 17500। यहाँ पे टोटल कितना कमाया था? 16000। और यहाँ पे कितना कमाया? 17000। समझा कि नहीं समझा? फास्ट भी हो गया होगा तो डोंट वरी, सवाल में भी यही करना है हमको, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। इन शॉर्ट अब एक लाइन में सब कुछ बोल रहा हूँ मैं, स्टार्ट टू एंड। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मैंने डिसीजन दिया तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका ज्यादा है? बी का। तो पहले मैंने बी बनाया और फिर ए बनाया, तो मैंने टोटल कितना कमाया? 16000। और मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर से डिसीजन दिया तो किसको प्रायोरिटी मिलती है? ए को। तो मैंने पहले क्या बनाया? ए, और फिर क्या बनाया? बी। तो अब मैंने कितना कमाया? 17500। तो 16000 अच्छा है कि 17500 अच्छा है? तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिसीजन देना सही है कि कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर से देना सही है? अभी समझा कि नहीं समझा? और कॉमन सेंस से आप समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं मैं आपको 10 रुपए कमा के दूंगा 1 घंटे में, और कोई और इंसान आपको क्या बोल रहा है? मैं 5 रुपए कमा के दूंगा 10 मिनट में, किसके पास जाओगे? 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए कंपेयर थोड़ी करोगे, टाइम भी तो कंपेयर करोगे कि नहीं? हाँ, आपके पास टाइम अनलिमिटेड है तो आप मेरे साथ जाओगे, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है तो फिर आप मेरे बिजनेस को सपोर्ट करोगे, बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो दूसरे के पास जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो चीज लिमिटेड होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, आर की की फैक्टर, की फैक्टर जो भी कम है की फैक्टर, राइट? याद रखना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकालना ही पड़ेगा, यस, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालेंगे, उससे रैंक देंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, क्या नाम होता है? और दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, क्या नाम होता है? स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। क्वेश्चन नंबर 39, दो सवाल करेंगे हम लोग इसके, 39 पहले देख लो। From the following particulars, find the most profitable product mix and prepare the statement of profitability of the product mix. Units budgeted to be produced and sold, budgeted कभी काम नहीं लगता हमको, except fixed overhead निकालने के लिए. Selling price per unit 60, 55, 50. Requirement per unit, direct material कितना एक unit A का बनाने के लिए लगने वाला है? 5 kg. Direct labor कितना लगने वाला है? 4 घंटे. Variable overhead 7 रुपए, fixed overhead 10 रुपए. Cost of direct material per kg, याद रखना 4 रुपए A को बनाने के लिए नहीं लग रहे हैं,
चार रुपए का एक केजी मटेरियल है और एक ए को बनाने के लिए 5 केजी मटेरियल लग रहा है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 रुपए लग रहा है। क्या बोला मैंने, समझा कि नहीं समझा? आई रिपीट, 4 रुपए ए का बनाने के लिए नहीं लग रहा है, 4 रुपए के बारे में क्या लिखा उन्होंने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी। तो एक केजी रॉ मटेरियल खरीदने का कितना रुपया है, 4 रुपया, और ए बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगने वाला है, 5। तो एक 5 × 4 = 20 होगा कि नहीं होगा? तो उसके बाद डायरेक्ट लेबर आर रेट, एक मिनट इसी नहीं चालू करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ठीक है, समझिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स कितने कितने हैं, 4000, 5000 और 1500, राइट? थर्ड लेफ्ट ऐसे चालू करवा देना। All the three products are produced from the same direct material using the same type of machines and labor. Direct labor, which is the key factor, is limited to 18,600 hours. क्या की फैक्टर हमारा, लेबर आवर्स, राइट? बाकी किसी से लेना देना नहीं हमको। पहले हमेशा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग का फॉर्मेट फिक्स, अगर हमें फॉर्मेट याद नहीं करवाऊंगा लॉजिक से समझो। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, फिर एक यूनिट बनने के लिए कितने घंटे लगते हैं वो निकालना पड़ेगा, फिर तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा, समझा कि? जैसे मैंने अभी कहा था, समझा? ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ए बी सी पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस कितना कितना है तीनों का, 60, 55, 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट लगेगी ऑफकोर्स, क्या डायरेक्ट मटेरियल आएगा, क्या डायरेक्ट लेबर भी आएगा, क्या वेरिएबल ओवरहेड भी आएगा। हाँ, देख लो ध्यान से, 5 kg × 4 हो जाएगा 20 रुपए, ये 20 समझा सबको। उसके बाद 3 kg × 4 कितना हो जाएगा, 12, और 4 kg × 4 कितना हो जाएगा, 16। डायरेक्ट लेबर भी वैसे ही है, 4 घंटे लगते हो, 2 रुपए पर घंटे है ना, तो 8 रुपए हो जाएगा, फिर 3 घंटे तो 6 रुपए हो जाएगा, और 2 घंटे मतलब कितना हो जाएगा, 4 रुपए। कोई डाउट यहां तक? वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्टली दिए हैं, 7, 13 और 8, कोई डाउट यहां तक? ये क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये तीनों माइनस करोगे 60 में से, 25। है ना, 22, राइट? इस पे से डिसीजन देना सही है कि गलत है, गलत है। ये 25 रुपए कमाते थे, 24 रुपए, हाँ अगर सब सेम आर्स लगाते थे तो इस पे से डिसीजन, तो उस पे से डिसीजन एक ही बात होती थी कि नहीं? बट क्या सब सेम आर्स लगा रही, अलग अलग आर्स लगा रहे हैं? क्या की फैक्टर के नाम पे मैं डायरेक्ट लेबर आर्स लिखूंगा, यही क्यों ले रहा हूं मैं, बोलो फटाफट, क्यू फैक्टर है? अगर मटेरियल होता तो मटेरियल लेते, मशीन आर्स होते तो मशीन आर्स लेते, समझते हो कि समझते हो? डायरेक्ट लेबर, ए का एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर आर्स कितने लग रहे हैं, 4, ये कितने, 3, और ये कितने, 2, सही बात है कि नहीं है? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ये भले ही 25 रुपए कमा के दे रहा है बट घंटे भी कितने लगा रहा है, 4। एक यूनिट 25 रुपए कमा के दे रहा है, ये सही लाइन है कि 4 घंटे 25 रुपए कमा के दे रहा है, ये सही लाइन है, 4 घंटे 25 रुपए कमा के दे रहा है, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि आज ही तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि यहाँ पे 3 घंटे 24 रुपए कमा के दे रहे हैं ना, दिखने के लिए ये बेहतर दिख रहा है ऊपर तो, बट अभी लॉजिकली सोचो तो ये ज्यादा बेहतर है ना, 3 ही घंटे इन्वेस्ट करो और 24 रुपए कमा के ले जाओ, बेटर है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? तो अब क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, 25 / 4, 6.25, 8 और 11, राइट? अभी रैंक देंगे, क्या इसको पहला रैंक आएगा, क्या इसको दूसरा रैंक आएगा, और इसको कौन सा रैंक आएगा, तीसरा, इसको कितना रैंक आएगा? तो क्या मैं सी के पहले पूरे बना लूंगा, फिर भी आर्स बच गए तो बी के भी पूरे बना लूंगा, और फिर आर्स पूरे तो बचने वाले है ही नहीं, थोड़े तो कम पड़ेंगे, अगर कम नहीं पड़ेंगे तो की फैक्टर आएगा हुआ फिर वो, तो ए के जितने बनेंगे उतने बनाएंगे, समझा कि नहीं समझा? रैंकिंग समझिए सौरभ, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स,
देखो ध्यान से, पहला आएगा प्रोडक्ट, पहला क्या आएगा प्रोडक्ट, दूसरा आएगा यूनिट्स, तीसरा कंपल्सरी है ये भी याद रखना पड़ेगा आर्स, चौथा आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरी सिंपल, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ए बी सी, क्या सी के सारे यूनिट्स बना लूंगा मैं 1500 के 1500? सर सी के 1500 क्यों? लास्ट लाइन पढ़ो, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स कितने हैं? 1500। आप मैक्सिमम बेच ही कितना सकते हो? 1500, तो उससे ज्यादा बनाना तो बेवकूफी है, पढ़ा रहेगा ना वो, उससे बेटर तो दूसरा प्रोडक्ट बना लो, करेक्ट। अब 1500 ये बनाने के लिए कितने आवर्स लग जाएंगे? क्या 2 घंटे में एक यूनिट बनता है? अरे 2 घंटे में एक यूनिट बनता है, कितने यूनिट बना रहे हो? 1500, तो क्या 3000 आवर्स खत्म हो जाएंगे? हमारे पास टोटल कितने हैं? 18600 है, टोटल आवर्स कितने अवेलेबल है? 18600, उसमें से 3000 तो कौन लेके चला गया? सी। क्या आवर्स खत्म हो गए कि अभी भी है हमारे पास? है ना, अभी 15600 बहुत सारे आवर्स अवेलेबल है ना। अब किसको प्रायोरिटी दूंगा? बी को, समझ रहे हो क्या? किसको देंगे हम लोग प्रायोरिटी? बी को। क्या बी के भी सारे बना लेंगे? कितने हो गए? 5000 है ना। और एक बी का बनने के लिए कितने घंटे लेता है? 3, तो कितने घंटे चले गए? 15000 चले गए कि नहीं चले गए? क्या अभी भी 600 घंटे बचे हैं? क्या अब मैं ए के सारे लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ए के भी अगर सारे हो सकते थे तो डिफेक्टर ही होता ना। क्या यहां पे 600 लिखूंगा मैं? ये 600 समझा कि नहीं समझा? टोटल कितने अवेलेबल है? 18600, ये दो पे कितने लग गए? 18000 लग गए ना, तो कितने बच गए अब? 600। क्या 600 में ये जितने बनेंगे उतने बना लोगे? समझे कि नहीं समझे? और एक घंटा बनने के लिए कितना लगाता है? 4, तो 600 डिवाइडेड बाय होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा इस बार, क्या होगा? 600 घंटे में 150 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? समझा कि नहीं समझा? समझ गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन तो वेरी सिंपल, एक ही कितने बनाए? 150, और एक यूनिट कितना कमा के देता है? 25 रुपए। एक यूनिट है, यूनिट से ना, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे ना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कर लो 150 × 25, 37। कितने बी के बनाए? 5000, और एक यूनिट कितना कमा के देता है? 24, तो 5000 × 24, 1,20,000। सी के कितने बनाए? 1500 × 22 ना, 30। कोई डाउट? टोटल कर दो, बट दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस इज व्हाट प्रॉफिट है कि कॉन्ट्रीब्यूशन है? फिक्स कॉस्ट माइनस करना बाकी है, फिक्स कॉस्ट ए बी सी। क्या पर यूनिट 10-10 दिया है तीनों का? इनटू, याद रखना फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करके आया। वो रिकवरी रेट कैसे निकालते थे? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल के ऊपर वाला बजटेड प्रोड्यूस्ड, तो 1800, 3000 और 1200 ना, तो 18000, 30000 और 12000, तो 60000 हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉफिट निकाल लो, गलत आ गया बेटा, हो नहीं सकता, 96750 है। आपने ऐसी कौन सी गलती की होगी? 16000 माइनस करिए, उससे माइनस करना है ना 16। समझा के बढ़िया, एंड में क्या किया? दिस इज फिक्स कॉस्ट ना, सिंपली बजट ऐसे निकलेगी। तो इंटरेस्टिंग है। अब एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 होमवर्क जाएगा, वो सिंपल है, सेम है, डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की एक खासियत यह है कि 6 बार फाइनल के एग्जाम में आ चुका है, 40। चलो जान दो, और कंपनी एंगेज इन प्लांटेशन एक्टिविटीज, हैज 200 हेक्टर्स ऑफ वर्जिन लैंड विच कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग ज्वाइंटली और इंडिविजुअली टी कॉफी एंड कैडमम,
the yield per hectare of the different crop and their selling price per kg are as under. Yield per hectare, tea, coffee and cardamom, selling price 20, 40 and 250. The relevant cost data is given below. Tea, labor charges, packing material, other cost, variable cost diya hai, humko simply kya karna hai usko? Selling price mein se minus karke contribution per unit nikalna hai. Fixed cost, kya filhal koi kaam ki cheez hamare liye? Fixed cost to kahan pe lagti hai? Yaad hai kya? Ekdam end mein, ekdam hi last mein hai na? Thik? Aur ek baar imandari se bolu, ye minus karna bhool bhi gaya to aadhe marks se aadha katega nahi. कॉन्सेप्ट कहां तक है? यहां तक है ना, ये मैकेनिज्म है. मैकेनिकल काम के मार्क्स ज्यादा कटते हैं नहीं है, हालांकि हम लोग करेंगे. मैं जस्ट आपको आपके अश्योरेंस के लिए बता रहा हूं कि अगर गलती से भूल गए तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हाँ, पर यहां तक नंबर एकदम करेक्ट आ गया, मतलब आपके मार्क्स अगर 5 मार्क का है तो 4.5 मार्क तो कन्फर्म हो गया. राइट, कॉन्सेप्ट वहीं तक है, बाकी तो टाइम पास हो. द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑल द 3 काइंड ऑफ प्रोडक्ट. मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया टू बी कल्टीवेटेड, इस तरह समझ जाओ कि लैंड इज द की फैक्टर. 200 हेक्टर ना हमारे पास, लैंड इज द की फैक्टर. राइट, मिनिमम एरिया टू बी कल्टीवेटेड टी कॉफी एंड कार्डमम मिनिमम 120, 30, 10, इतना तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. बट देखो ध्यान से, 120, 30 और 10 कितना होता है? 160. पर आपके पास लैंड कितना है? 200. लॉजिक समझो, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग लगेगा, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग लगेगा. क्यों लगेगा? टोटल लैंड कितना अवेलेबल है? 200. कितना अवेलेबल है? पहली लाइन में था नाला, को पहली लाइन पढ़ के लास्ट लाइन तक तो भूल जाते हो उसको. हम लोग कॉन्सेप्ट याद रखोगे तुम लोग तो. 160 हेक्टर मिनिमम तो लगाना ही है, इतना इतना. पर क्या ऊपर 40 फिर भी बचता है? अब वो 40 टी पे लगाओ, कॉफी पे लगाओ कि कैडमम, ये सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं मेरे लिए? जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा पर हेक्टर उस पर लगाऊंगा ना मैं. 40, 160 तो लग चुका है, उसमें मेरे पास ऑप्शन. तो जो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग किसके लिए बनाना पड़ रहा है मुझे? जो बचा हुआ 40 है. समझते हो क्या बोल रहा हूं? क्या 160 लगाना ही पड़ेगा? अगर टी का रैंकिंग थर्ड भी आया तो क्या 120 हेक्टर मुझे उसको देना ही पड़ेगा? क्योंकि वो तो मिनिमम है कि नहीं है. 30 कॉफी को देना ही पड़ेगा, कैडमम को 10 देना ही पड़ेगा, बचता कितना है? 40. क्या ये 40 के लिए हमको सारी झंझट करनी है? ठीक, थोड़ा बहुत समझेगा आपको. पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग. दैट्स वेरी इजी. सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है? 20, 40, 250 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. इंडिविजुअल लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या तीनों ऐड करके लिख सकता हूं मैं? 14, 8 रुपए, 2 रुपए और 4 रुपए. 14 होता है कि नहीं होता है? समझा कि नहीं समझा? ये 13 रुपए और ये बताओ कितना होता है? 150. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 6, 20, 7 और 100. कोई डाउट? अब क्या यहां पर मैं पर हेक्टर लिखूंगा? पर हेक्टर, इसमें थोड़ा सा प्रोडक्शन पर हेक्टर थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से देखना. मुझे बताओ यील्ड पर हेक्टर टी कितना होता है? 2000. अरे एक हेक्टर 2000 केजी बनाता है कि नहीं बनाता है? उल्टा सोच रहे हो आप लोग. पहले तो सोच लो, एक केजी बनाने के लिए 2000 हेक्टर नहीं लगता है. 2000 केजी एक हेक्टर में निकलता है. वहां पे क्या था? 4 घंटे में 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है. थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया. ठीक है, बताऊंगा इनमें. 500 और यहां पे कितना आ जाएगा? 100. अब हम लोग इतने बड़े रट्टेबाज है कि हमको डिवाइड करने की आदत पड़ चुकी है. यहां पे डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई. तो लॉजिक समझो क्या है. 1 केजी टी का कितने कमा के देती है? 6. अच्छा, हमको निकालना क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टर. हमको निकालना क्या है? क्योंकि क्या हमारे पास लैंड इज लिमिटेड. की फैक्टर क्या है हमारा? लैंड. लैंड किसमें मापी जाती है? हेक्टर में. तो हमको निकालना क्या? जैसे वहां पे लेबर आर्स जब आपका की फैक्टर था तो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकाला कि निकाला? आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? तब क्या निकाला आपने? कॉन्ट्रीब्यूशन पर लेबर आर. वैसे लॉजिकली यहां पर क्या निकालना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकालना है. अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. अभी जो लाइन बोल रहा हूं अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट, 1 केजी टी का कितना कमा के देती है? 6 रुपए. 1 केजी टी का कितना कमा के देती है? और 1 हेक्टर लैंड कितना टी कमा के देती है? 2000 केजी. तो 1 हेक्टर लैंड कितना कमा के देगी? 12000 रुपए. क्या बोला मैंने? रिपीट. 1 केजी
टी कितना कमा के देती है? 6 रुपए। और 1 हेक्टर लैंड कितना केजी टी कमा के देती है? 2000। तो 1 हेक्टर लैंड तो 12000 कमा के देगी कि नहीं? अब यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग रटने लग गए कि डिवाइड करना हर बार, तो वो नहीं समझेगा। यहां पे क्यों हम लोगों ने डिवाइड किया था? क्योंकि एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लग रहे थे। समझ रहे हो? समझ रहे? तो यहां पे जो की फैक्टर है वो ज्यादा है, मतलब वो 4 आ रहा है फॉर 1 यूनिट, और यहां पे उल्टा है। यहां पे 1 हेक्टर 20000 कमा के दे रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रिवर्स नहीं है, अदर वे काम कर रहा है। यहां पे 4 घंटे में 1 यूनिट बन रहा था, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा ना। यहां पे एक हेक्टर लैंड 2000 कमा के दे रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कितना आएगा यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर हेक्टर? कितना हो जाएगा ये? और ये 10,000 रैंकिंग। इसको 1 आएगी, इसको 2 आएगी, और इसको क्या आएगी? 3। इसमें कोई डाउट है? अब सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। चलो अब स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर्टिकुलर टी कॉफी कैडम, यहां पे आएगा केजी, यहां पे आएगा हेक्टर, और यहां पे आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। सही है तकरीबन। अब अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या मिनिमम लैंड कितना लगाना है वो उन्होंने दिया है। कितना कितना दिया है? 30, 10। ये तो दे दिया कि नहीं दे दिया? समझे कि नहीं समझे? टोटल कितना अवेलेबल है? 200। कितना अवेलेबल है अभी? कितना बच गया? 40। अभी आपकी इच्छा तो क्या होगी? क्या पूरा 40 कॉफी पे लगा दो? ना ना, क्या पड़ा फिर? हमारी इच्छा तो क्या रहेगी? पूरा 40 किस पे लगा दो? कॉफी पे लगा दो, क्योंकि रैंक 1 किसको मिला है? कॉफी को मिला है। तो सबसे ज्यादा तो ये कमा के दी ना, 13,500 पर हेक्टर। जितना हेक्टर इस पे ज्यादा लगाऊंगा उतना फायदे में रहूंगा। बट अगेन एक प्रॉब्लम है, क्या मिनिमम दिया है कि मैक्सिमम भी दिया है? मैक्सिमम भी दिया है ना, तो कॉफी पे और कितना ऐड कर सकता हूं मैं? 20, 50 मैक्सिमम है कॉफी का। कॉफी का मैक्सिमम कितना है? 50। 30 तो मिनिमम में लगा चुका हूं मैं, और एक्स्ट्रा कितना लगा सकता हूं? 20। 50 हो गया कि नहीं हो गया? इससे ज्यादा लगाया नहीं जा सकता। समझा कि नहीं समझा? अब और कितना बचा मेरे पास? 20। कितना बचा? तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हम लोग? टी को। तो टी पे 20 लगा दो, बचा हुआ। टी पे 20 लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? कि मैक्सिमम को पार नहीं कर रहा है ना वो। समझा कि नहीं समझा? क्या 140 यहाँ पे लगाया जा सकता है कि लगाया जा सकता है? तो मेरा अलॉटमेंट कैसे हुआ है लैंड का? 140 किसको लगाऊंगा? टी को। 50 किसको लगाऊंगा? कॉफी को। और 10 किसको लगाऊंगा? कैडमियम को। समझा कि नहीं समझा? अब करो 140 हेक्टर इंटू 2000। समझा क्या? 2000 कहां से आया? तो 2,80,000 केजी प्रोड्यूस कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 50 × 500, 25,000, और 10 × 100 कितना आएगा? 1000। कितना आएगा? क्या अब इसको कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी से मल्टीप्लाई कर लोगे? कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी से मल्टीप्लाई करोगे ना, और फिर टोटल में से फिक्स कॉस्ट क्या कर दोगे? माइनस। आई क्या बात समझ में? एकदम श्योर? कोई डाउट? और क्वेश्चन नंबर 41 ऑफकोर्स क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस। नहीं, 41 अलग ही है, की फैक्टर का लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं की फैक्टर का कोर सवाल कौन सा है। मिस इंडियस मैन हूं, क्वेश्चन नंबर 60। We are going to learn the most difficult concept of the whole costing. ऐसा समझा तो जाता है, पता नहीं आप लोगों को difficult लगती है कि नहीं लगती है, right?